वेलकम टू IFL स्टूडियो, इंडिया का पहला फिटनेस टॉक शो, जहां मैं हर हफ्ते आप सभी को मिलाता हूं देश के जाने माने एथलीट से जो आपको इंस्पायर करते हैं। आज की स्टोरी भी कुछ कुछ इंस्पिरेशनल है। इंस्पिरेशनल इसलिए क्योंकि वो हमारे एक बहुत बड़े एथलीट हैं, एक बॉडी बिल्डर हैं। बट इससे पहले मैं आपको कुछ उनके बारे में बताऊँ, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। आपका कभी ना कभी दिल तो ज़रूर टूटा होगा, और दिल टूटने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। मैं अपना बता सकता हूँ, मेरे पास तो दो ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर वन कि मैं या तो शराब या किसी लत में पड़ जाऊँ, बुरी लत में पड़ जाऊँ, या ऑप्शन नंबर टू मैं उसी हालातों को अपनी स्ट्रेंथ का ज़रिया बना लूँ और एक ट्रू चैम्पियन बन जाऊँ। जो मेरे आज के गेस्ट हैं वो एक ट्रू चैम्पियन हैं। उन्होंने इन्हीं हालातों पे काबू पाया और 2016 शेरू क्लासिक के चैम्पियन बने। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। आई एम श्योर आप भी जानने वाले हो कि वो कौन है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, कैन हैव माई गेस्ट। हेलो, हाउ आर यू नदीम? फाइन, थैंक यू। हाय गाइस। सो ये है नदीम मलिक, हमारे आज के गेस्ट, 2016 शेरू क्लासिक विनर, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जो है 2016 में जीते हैं। और कैसे जीते हैं, क्या स्टोरी है इनकी, आइए इन्हीं से ही जानते हैं। सो नदीम, हैव अ सीट। थैंक यू। सो वेलकम टू द शो नदीम भाई। थैंक यू। एक सवाल है, सबसे पहले उसी से शुरू करते हैं। ठीक है। रॉकस्टार तो देखी होगी तुमने मूवी? ऑफ कोर्स। तो मानते हो कि चैंपियन बनने के लिए, रॉकस्टार बनने के लिए दिल का टूटना जरूरी है? फॉर मी मैं बोलूँगा हाँ, बिकॉज लाइफ का मैं ये बोलूँगा कि ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पे आप बहुत सी मुश्किलों से घिर जाते हो, रिलेशनशिप ख़राब होना, टूटना, आपको कोई रास्ता नहीं दिखता। आप सोचते हो कि हाँ मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, या तो आप लत में पड़ जाओगे, या फिर आप किसी नशे में, दारू में, शराब में, ऐसे आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं, नेगेटिविटी आने लग जाएगी। ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो कि आपको सोचना चाहिए कि हाँ मेरी लाइफ अभी बहुत पड़ी है, मुझे आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, और मेरी फैमिली भी है। जो तुमने सोचा? जो मैंने सोचा। तो ये शुरू, मैंने उसको स्ट्रेंथ बना लिया। मैंने उसको वीकनेस बनने ही नहीं दिया कि अब तो मुझे करना है। मैंने सोच लिया था अब तो मुझे करना है, मुझे दिखाना है। मतलब तुमने एक अपना गोल बना लिया। गोल बना लिया उसको कि अब मुझे ये करना ही करना है। तो गोल के बारे में जानते हैं, तो ये बॉडी बिल्डिंग का क्या से कीड़ा उठा और ये कहाँ से कंपटीशन जीते तुम? कि शुरू से बॉडी बिल्डर थे? नहीं, मैं शुरू से बॉडी बिल्डर नहीं था। मैं अपने भाई से इंस्पायर्ड हुआ हूँ। अच्छा। वो बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौकीन था। वो 15 ईयर्स का उसने दिन जिम वगैरह जाना स्टार्ट कर दिया था ऑलमोस्ट। तो वो भी मुझे खींचने की कोशिश कर रहे थे कि तू भी आया कर, तू भी कर जिम में। हाँ, जिम में हेल्थ इज वेल्थ, ये हेल्थ बनाना बहुत अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे जो नाना वगैरह थे वो रेसलर फैमिली से थे, तो उनके जेनेटिक्स आ गए, तो मेरे भाई को भी उनकी बॉडी देखते थे नाना की, हाँ तो इनको भी थोड़ा इंस्पायर हुआ, तो इन्होंने ये स्टार्ट किया। तो भाई ने शुरुआत करी? भाई ने शुरुआत की। ये ड्रीम था भाई का, वो कहते थे मुझे ओलंपिया जाऊँगा मैं। रॉनी कोलमैन को देखते थे ना, जे कटलर और रॉनी कोलमैन को। जब मेरे घर में फर्स्ट टाइम कंप्यूटर आया, तुमने वीडियो जे खटलर एंड रॉनी कोलमैन की उसमें मेरे को दिखाई, तो उनको शौक था। अच्छा। हाँ, लेकिन उनका किसी वजह से डिजीज़ काफ़ी, उनको हेल्थ इश्यू वगैरह हो गए, तो उनका ये ड्रीम हो नहीं पाया पूरा। लेकिन वो सब कमान तुमने संभाल ली फिर? फिर अचानक से मेरे अंदर सब कुछ आ गया, पता नहीं कैसे आ गया, बॉडी बिल्डिंग का एकदम से हो गया। तो फिर तुमने शुरुआत कर दी बॉडी? हाँ, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया बॉडी बिल्डिंग। तो शुरू से ही बॉडी बिल्डर बनना था या कुछ और बनना था लाइफ में? मतलब एक गोल सेट नहीं था। 16 साल की उम्र में कहाँ? 16 साल की उम्र में कौन सोचता है कि हाँ मुझे ये बनना है, ये बनना है? अगर इधर से किसी ने बोला कि अरे वो लाइन अच्छी है, उसमें जा, उसमें पैसा है, उसमें फेम है। शुरुआत किससे करी 16 साल की? पहले तो मैंने थोड़ा बॉडी बिल्डिंग की, ठीक है, मैं अच्छा खासा हेल्दी हो गया। मेरा 90 kg वेट था तब, तो मेरा वेट काफ़ी अच्छा था, बॉडी भी ठीक थी। तो मुझे किसी ने कहा कि अरे तेरे पास बॉडी है, हाइट है, यू हैव गुड पर्सनैलिटी, फेस, वाई डोंट यू ट्राई इन मॉडलिंग? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल यार। उसने मुझे पिक्चर दिखाई कि जॉनी ब्रैम के साथ मैं वॉक कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा यार ये अच्छी चीज़ है, मैं करता हूँ, मेरे पास है तो ठीक है, मैं भी मॉडल बनूंगा, मैं भी मॉडल बनूंगा, इसका फ़ायदा उठाता हूँ मैं। तो ठीक है, मैं एक दो ऑडिशन वगैरह में गया, तो मैं सिलेक्ट भी हुआ। तो मैंने वहाँ पर देखा कि काफ़ी कॉम्प्रोमाइजेशन, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे जो मैं नहीं कर सकता था, मैं कंफर्टेबल नहीं था उनके लिए।
कास्टिंग काउच वगैरह जो बोलते हैं ना अच्छा, वो तो मानते हो कि होता है, मैं मानता हूँ होता है क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मुझे सिलेक्ट करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि रात को मुझे पार्टी में बुलाया उन्होंने और वहीं पे उन्होंने मुझसे ये बात की, टचिंग वचिंग मेरे को कर रहे थे। वो मेल थे फीमेल थे वो पता नहीं क्या थे, वो बीच के कोई होते ना गे जिनको बोलते हैं वो थे वो। तो ऐसे ही तो मैंने मना कर दिया उनको, तो उन्होंने मेरा नाम मेरे सामने लिस्ट में से ऐसे कट गया कि यू आर नॉट सिलेक्टेड बिकॉज तुमने उनके साथ। मैंने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता भाई, कॉम्प्रोमाइजेशन मैं नहीं कर सकता, आई हैव माई सेल्फ रिस्पेक्ट, हाउ कैन आई डू। तुम्हारा बहुत दिल टूट गया होगा कि यार मॉडलिंग टूट गया कि यार ये तो ऐसे बाहर से ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ है। और इट हैपेंस, जो जिनको कंफर्टेबल है वो जा सकते हैं, मैं कंफर्टेबल नहीं था तो मैं नहीं गया। तो मॉडलिंग खत्म, फिर मॉडलिंग खत्म, फिर नेक्स्ट हुआ बैडमिंटन का। अच्छा, फिर स्पोर्ट्समैन बनना है। स्पोर्ट्समैन, हाँ स्पोर्ट्समैन बनना है। मैं 16 से 17 साल 18 साल की उम्र में तुम्हें बैडमिंटन प्लेयर का बनना है। हाँ, मैं बैडमिंटन प्लेयर, मैंने सोचा यार अब बैडमिंटन प्लेयर बनना है। अच्छा, क्योंकि मैं बचपन में बैडमिंटन वगैरह खेलता था तो स्कूल की टीम से भी मैं जूनियर में सिलेक्ट हुआ था, तो मैंने कहा हाँ यार वो घर के बाहर लाइटें लगा के जो नेट खेला करते थे। हाँ, नेट खेला करते थे ना, वो ऐसे ही था बस। तो मैं बैडमिंटन में मैंने स्टार्ट किया, उसमें भी मैं नेशनल लेवल पे गया। ऐसा नहीं कि मैं अच्छा नहीं खेलता था, मैं काफ़ी अच्छा खेलता था अकेडमी में, अपनी टॉप लेवल का मैं प्लेयर हो चुका था, सीनियर लेवल पे मैं उनके साथ खेलता था, मैं नेशनल भी खेलने गया। फिर उसके बाद मैंने देखा शेरू क्लासिक का, कि शेरू क्लासिक में के बारे में, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, मैंने उसके बारे में सर्च किया गूगल पे, तो उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी। शेरू क्लासिक बहुत बड़ा ब्रांड है यार, ऑब्वियसली इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन माना जाता है शेरू क्लासिक। तो उसमें काफ़ी एक्सपोजर थे, जैसे कि मैगजीन फीचर, प्राइस मनी भी अच्छा था, ठीक है, एक दो एड्स थे, इंटरव्यू वगैरह था, और बॉम्बशेल फिटनेस का उनका कॉन्ट्रैक्ट था कोचिंग का, फ्री कोचिंग। अच्छा, तो मैंने सोचा यार करना चाहिए, मतलब बैडमिंटन छोड़ के फिर तुमने कब ये करना चाहिए। हाँ, बैडमिंटन मैं तब भी कर रहा था क्योंकि वहाँ से मेरी अर्निंग हो रही थी, तब पापा सपोर्ट नहीं कर रहे थे शेरू क्लासिक के लिए, पापा ने मना कर दिया था कि मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। वो भी कैसे सपोर्ट करते, कभी मॉडलिंग कर रहा है, कभी बैडमिंटन हाँ, खेल रहा है, कह रहा है बॉडी बिल्डिंग करनी है। कब रिलेटिव पूछते अब क्या कर रहे हैं, अरे ये तो वो कर रहा था, अब ये एक चीज़ कर रहा है। तो वहाँ से मेरी अर्निंग हो रही थी। अर्निंग कैसे हो रही थी, वो पैसे दे रहे थे अकेडमी वाले? हाँ, अकेडमी में मैं पार्टनरशिप में मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था, तो वहाँ से मेरी अर्निंग हो रही थी। वाओ, शेरू क्लासिक के लिए अब कॉम्पिटिशन में जाना है तो पैसे तो लगेंगे। अच्छा, स्पॉन्सरशिप वगैरह तो कुछ, जब स्टार्ट ही किया था तो कहाँ से कुछ होगा, पापा साथ में थे नहीं। हाँ, मम्मी कभी कभी दे देती थी थोड़े पैसे वगैरह, ठीक है, मम्मी सपोर्टिव थी और मेरा भाई बहुत सपोर्टिव था, वो तो है ही, वो इंस्पायर करता था मुझे। फिर बॉडी बिल्डिंग कर ली? हाँ, शुरू कर दी वहाँ से। हाँ, मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने जनवरी में मैंने स्टार्ट कर दिया, जनवरी 2016। अच्छा, 20, जिसमें तुम जीते हो? हाँ, जिसमें मैं जीता हूँ। जनवरी में मैंने सोचा, माइंड सेटअप किया कि हाँ मुझे करना है। और कॉम्पिटिशन कब का था? कॉम्पिटिशन था अक्टूबर 2016, 14, 15, 16। तो ये 8-9 महीने में, आठ नौ महीने के अंदर मैंने ये प्रेप का मेरे साथ हुआ। लेकिन इसमें टाइम नहीं लगता नदी, मतलब बॉडी बिल्डिंग में तो मैंने जितने एथलीट्स इंटरव्यू करे हैं वो तो सालों साल लगे रहते हैं, तुमने जनवरी में शुरू करी हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग? बिकॉज मैंने कहा ना, मैंने काफ़ी पहले बल्किंग था मैं, उसके बाद मैंने कम किया। अगर उसके वापस से आप दोबारा उसको स्टार्ट करते हो तो वो टाइम नहीं लगता आपकी बॉडी में। और वैसे भी जेनेटिक्स मैंने आपको बताया मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 1 जनवरी को मैं जिम पहुंच गया कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन? हाँ, न्यू ईयर मैंने सोच लिया था कि हाँ शेरू क्लासिक तो जाना ही, ऐसा कोई चांस नहीं था कि हाँ मुझे जीतना है। और तब तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी थी? गर्लफ्रेंड थी 2016 में, अप्रैल में मेरा पहला इशू उसके साथ स्टार्ट हुआ। क्या इशू क्या था, मतलब नॉर्मल लड़ाई? नॉर्मल लड़ाई कि हाँ तुम मुझे टाइम नहीं देते, मुझे सरप्राइज़ नहीं करते, मुझे गिफ्ट वगैरह नहीं देते, मतलब वो काफ़ी ना मनी। नहीं नहीं, मतलब हर एक लड़की की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट भी होती है, कुछ भी कह सकते हो। और बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल भी ऐसा ना नदीम, पूरी फुल टाइम जॉब है ये, फुल टाइम जॉब है ये, आप टाइम नहीं दे सकते, या तो आपके पार्टनर को आपको समझना पड़ेगा। और वो समझना नहीं चाहती थी? वो समझना नहीं चाहती थी। अच्छा, तो May 10 को मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो उसकी मेरी सर्जरी, स्टिचेस आए थे, मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो यहाँ सारा ऐसे फट गया था। जब तुम प्रेप कर रहे थे? जब मैं प्रेप कर रहा था। फिर तो डॉक्टर ने बोला अब तुम कंप्लीट नहीं कर सकते इस साल, पूरे साल 8 महीने के, डॉक्टर ने बोला 6 महीने तो तब सोचना ही नहीं है तुम्हें कि हाँ कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि मेरी चेस्ट ना काफ़ी सिकुड़ गई थी, ऐसे बिल्कुल छोटी हो गई थी और मैं ऐसे हाथ भी नहीं उठा पा रहा था।
ऐसे स्ट्रेच हो जाती थी तो पेन होता था काफ़ी. तो चिन अप कैसे करूँगा, बैक एक्सरसाइज कैसे करूँगा, चेस्ट कैसे लगाऊँगा, जो मेन एक्सरसाइज मेंस फिजिक की होती है वो मैं करूँगा कैसे. फिर नहीं करी एक्सरसाइज 6 महीने? मैंने 6 महीना नहीं, मैं 20 दिन बाद ही जिम पहुँच गया. अच्छा. क्योंकि सेट था माइंड कि हाँ करना है तो करना ही है. 1 जून को मैं जिम पहुँच गया. 10 मई को एक्सीडेंट हुआ, 1 मई को जून में. 21 दिन में ही मैं जिम पहुँच गया क्योंकि मेरे कोच ने कहा कि हाँ थोड़ा बहुत करके देख, स्टार्ट कर कि कैसा फील होता है. तो नहीं हो रहा था चिनअप्स वगैरह, कुछ नहीं हो रहा था. तो मैं चिनअप्स करके क्या करता था, ऐसे पैर की सपोर्ट लिया, ऐसे ऐसे करके मैं थोड़ा सा कर लेता था. बॉडी खत्म हो गई थी, कुछ था बिल्कुल खत्म, जीरो हो गई थी बॉडी. गर्लफ्रेंड से झगड़े हो रहे हैं और फिर मेरे को एक्सीडेंट हो गया. ठीक है, बॉडी में कुछ नहीं बचा. शेरू क्लासिक कॉम्पिटिशन के सिर्फ 3.5 महीने बचे. कोच ने बोला कि स्टार्ट कर. तो मैंने धीरे धीरे, तो क्या रिकवरी होने लगी, मेरी रिकवरी होने लगी, मुझे बेटर फील होने लगा. मैं मेडिसिन वगैरह ले रहा था, मेडिसिन लेके मैं जिम करने के लिए जाता था ऑलमोस्ट एवरी टाइम, जब भी मैं जाता था. तो 1 महीना हो गया, पूरा 1 महीना हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं बॉडी में, जीरो रिस्पॉन्स, कोई ग्रो ही नहीं कर रही, कोई भी कुछ भी ग्रो नहीं कर रहा मसल. तो उन्होंने फिर मुझे शेड्यूल लिख के दिया, इतना हैवी शेड्यूल लिख के दिया, मैं टायर्ड हो जाता था पूरा. सुबह 120 चिनअप्स, ये सर्किट ट्रेनिंग वगैरह, कार्डियो नहीं देते थे वो. तो 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, एब्स भी दोनों टाइम लगाने हैं, चिनअप्स दोनों टाइम लगानी है. तुम रिकवर कर रहे थे इंजरी से? रिकवर कर रहे थे और डबल पार्ट एक्सरसाइज करनी है. टफ. फिर तो 1.5 महीने बाद जब अगस्त आ गया, मैंने खुद को देखा, हाँ मसल मेरा इम्प्रूव हुआ, कटिंग भी आने लगी और फैट लॉस होने लगा मेरा. तो मुझे बेटर फील होने लगा कि हाँ अब मेरी बॉडी इम्प्रूव कर रही है, रिस्पॉन्स हो रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है. तो 1 सितंबर मेरा बर्थडे, मैंने इतना वेट किया कि हाँ मेरे पास कॉल आएगा, क्योंकि लड़ाई हो रखी थी ना, कोई बात नहीं हो रही थी. तुम सरप्राइज नहीं करते इसलिए? हाँ मैं सरप्राइज नहीं करता. तो मेरे पास कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, मैं पूरा दिन मैंने वेट किया, मुझे काफ़ी हर्ट हुआ. तो जिस लड़के के साथ वो इन्वॉल्व थी, अफेयर चल रहा था, जो मुझे पता नहीं था, तो वो मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड था. तुम्हारी गर्लफ्रेंड का अफेयर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड, मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ, और मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं ट्रस्ट करता था, कितना प्यार अंधा होता है. तो मैं ऐसे ही हो गया था उसमें. तो वो मेरे घर पर आया, मेरा बेस्ट फ्रेंड, और मुझे बर्थडे विश कर रहा है, मेरे साथ खाना खाने भी गया. तो मैंने उससे पूछा, यार वो बात नहीं कर रही मुझसे ऐसे करके, कह रहा मुझे तो सब पता है कि वो अभी कहाँ पे है, मैं अभी फ़ोन भी करूँगा. तो मैं शॉक कि गर्लफ्रेंड मेरी बात ये करेगा और फ़ोन करके ये कैसे बता देगा यार. मैं टोटली मैं शॉक. तो मुझे काफ़ी हर्ट हुआ. तो मैं नेक्स्ट डे 2 सितंबर गर्लफ्रेंड के घर पहुँच गया. उसकी मम्मी को पता था हमारे बारे में, उसकी पूरी फैमिली को पता था, उसके ब्रदर वगैरह को, सबको पता था कि हाँ वो और मैं रिलेशनशिप में हैं. तो वहाँ पे उसने बोला कि आई डोंट इवन टॉक टू यू, मेरे सामने भी कभी मत आना, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ. अपने घर में तुम्हें बोल रही है? अपने घर में मुझे बोल रही है वो. कितने साल का रिलेशनशिप था तुम्हारा? ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स. फिर मैं पीछे से गया, क्योंकि गेट पीछे था, वो ऐसे बैठी थी, मैसेज कर रही थी. तो वो मेरे फ्रेंड को मैसेज कर रही थी, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था. वहाँ मैं शॉक हो गया कि ये क्या चल रहा है इनके बीच में. तो किसिंग वगैरह, स्माइलिंग वगैरह की उनकी इमोजी चल रहे थे. वो अपने लवर को, जो जिसने मुझे चीट किया, मेरा फ्रेंड है, उसको ये बोल रही थी कि नदीम मेरे घर पे आया है और ऐसे ऐसे बोल रहा है. तो वो बैठी रही, उसने बोला नदीम तुम जाओ, ओवर. ठीक है, मैं ब्रोक हो गया, अंदर से टूट गया, लेकिन तब भी कोशिश नहीं छोड़ी मैंने कि हाँ हो सकता है लड़ाई में है, कोई बात नहीं. फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे मैंने उनके पोस्ट वगैरह देखे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के. उसके स्टेटस में लिखा हुआ था फॉरएवर टेकन बाय हिम और दिस एंड देयर, उस लड़के का नाम और किसिंग वगैरह और हर्ट के इमोजी वगैरह उसमें थे. कितने दिनों बाद देखी है ये? 15 दिन बाद ही मैंने देख लिया, मतलब 15 सितंबर के आसपास. 15 सितंबर को. तो मैं रोया काफ़ी, मम्मी की गोद में मैं लेटा हूँ और मैं रो रहा हूँ. 15 सितंबर को पता चला, 4 दिन जिम नहीं गया मैं. 20 सितंबर को उठा मैं, खुद को शीशे में देखा, मम्मी ने बोला कि तू क्या कर रहा है. दूसरा ये कि पापा को चैलेंज कर दिया था कि शेरू क्लासिक खेलना है, पापा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो करूँ तो क्या करूँ. फिर मैंने सोचा कि अब मुझे करना है, अब मैं शेरू क्लासिक जीत के दिखाऊंगा. तब यही नहीं कि मेरी बॉडी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, 4 दिन जिम नहीं गया था, बॉडी ठीक ठाक चल रही थी.
तो मैं जिम में जा रहा हूँ, कर रहा हूँ एक्सरसाइज, सिटअप्स कर रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। जिम में लड़कियाँ थी काफ़ी, एक दो फ्रेंड थी, वो देख रही हैं मुझे। कोच ने पूछा क्या हो गया, मैंने कहा ऐसे कुछ नहीं, बात नहीं है, बस ऐसे थोड़ा मन ठीक नहीं है। तो तुम्हें दुख किस चीज़ का था नदीम, कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें चीट किया, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया? मुझे वो मुझे छोड़ के गई, उसका मुझे ज़्यादा दुख नहीं था, मुझे दुख ये था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे चीट किया, और जिस लड़की से मैं 6 साल से प्यार करता था, उन दोनों ने मेरे पीठ पीछे, अफेयर उनका चल रहा था, बिल्कुल टूटने वाली बात हो जाती है आपके लिए। फिर मैंने बुला दिया कि हाँ, मेरा पूरा फोकस ट्रेनिंग पे था, डाइट ट्रेनिंग, सिर्फ जिमिंग डाइट ट्रेनिंग। हाँ, अकेडमी में जा रहा था, क्योंकि वहाँ से ऑब्वियसली इनकम नहीं होगी तो कैसे अब जाओगे। तो आ गया कॉम्पिटिशन, 10 तारीख आ गई, 11 तारीख आ गई। पापा ने सपोर्ट वहाँ पे तब किया, जब देखा ना बॉडी इसकी अच्छी हो गई है, पापा ने होटल्स, फ्लाइट वगैरह, भाई की, मेरी, मेरे कोच की, सारा एक्सपेंसिव उन्होंने ही कराया। नज़र आ गया ना उन्हें कि लड़के ने मेहनत करी है। हाँ, उनको नज़र आ गया, और बस अल्लाह मेहरबान, तो हम चैम्पियन। हाँ, तो गाइस, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंस्पिरेशन है कि ब्रोकन हार्ट ने मुझे चैम्पियन बनाया है। शेरू क्लासिक का जो मैं विनर बनाऊँ, वो सिर्फ और सिर्फ दिल टूटने की वजह से बनाऊँ, क्योंकि मैंने खुद को संभाला, अपनी फैमिली को देखा, मैंने अपने करियर पे फोकस किया। गाइस, किसी के लिए लाइफ नहीं रुकती यार, मूव ऑन, अपने करियर पे फोकस करो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, तुम्हारे अलावा उनका कोई नहीं है। बी मोटिवेटेड एवरी सिंगल टाइम। क्या बात है यार, कितनी एज क्या तुम्हारी? मेरी एज 24 है। 24 की एज में इतना फोकस, अब टच में हो, तुमने बताया जब जीते। मैंने पार्टी दी शेरू क्लासिक के बाद, उसको इनविटेशन दिया, बुलाया, लेकिन वो नहीं आया। कैसे आता, किस मुंह से आता? उन्होंने देखा अब तो नदीम चैंपियन बन गया, और हम वहीं के वहीं हैं। उसके बाद मैं जेराई एथलीट बन गया, मेरी मैगजीन में इंटरव्यू हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई। मैं उसके घर लेके गया, अपने फ्रेंड के, स्वीट्स लेके गया, उसको दिखाया, तो वो तब वहाँ से भाग गया। तुम उसके मिठाई लेके गए? मैं मिठाई लेके गया। क्यों, ऐसा क्यों, दिखाने के लिए? मुझे दिखाना था कि देख भाई, आज मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पे हूँ। तो ये बहुत अच्छा रिवेंज है एक तरीके का, कि आप रिवेंज है? कई लोग इसको अपने बेस्ट फ्रेंड को मारते, मतलब लड़ाई करते, या कई लोग अपने काम से अपने उनको जवाब देते। कहते ना, कामयाबी सबसे बड़ा रिवेंज होता है। थप्पड़ से मत मारो, अपनी कामयाबी से मारो यार। अभी आर यू सीइंग समबडी, कोई गर्लफ्रेंड है? नाउ आई हैव वेरी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड, शी इज फ्रॉम उज़्बेकिस्तान, रशिया। अच्छा, और मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। खुश हो? बहुत खुश हूँ। एक बहुत बड़ा मैसेज तुम दे रहे हो यहाँ पे नदीम, की लाइफ में इंसिडेंट होते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आपको हमेशा डेडिकेटेड रहना है, आपको काम करते जाना है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। करते जा रहे हो, तुमने फैमिली की जिक्र करा कि फैमिली, मेरे फादर, मेरे भाई सपोर्ट करा, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि वो कितने सपोर्टिव थे तुम्हारे साथ, कि जब ये सब इंसिडेंट हो रहा था। देखो, मम्मी पापा तो सपोर्टिव हो भी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी होते, लेकिन उसके बावजूद जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाता है, वो आपका होता है बड़ा भाई। क्या बात है, तो इनको बड़े भाई की सपोर्ट थी, लेकिन हमें ये जानना है कि उन्होंने कैसे इन्हें सपोर्ट करा, कैसे मोटिवेट किया। नाउ लेट्स मीट नदीम्स ब्रदर। आइए भाई, भाई बैठिए, बैठिए बैठिए प्लीज। सो शाकिर भाई जी, सो शाकिर भाई, हम बात कर रहे थे नदीम भाई से, तो आप इनके बड़े भाई हैं जी, तो मैं आपसे सिर्फ 2-3 बातें जानना चाहता हूँ। आपको बॉडी बिल्डर बनना था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको प्रॉब्लम्स हुई, हॉस्पिटलाइज हुए, ऐसा क्या हुआ कि आपको छोड़ना पड़ गया? मेरे साथ बीमारियों का, परेशानियों का एक पहाड़ रहा है, एक होता है ना कि प्रॉब्लम हो गई, ख़त्म हो गई। मैंने कोशिश तो बहुत की, बट मैं ये मानता हूँ कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है, बट आप जो करते हो, करना चाह रहे हो, ऊपर वाला नहीं चाहता, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। समझता हूँ मैं। तो क्या हुआ फिर ऐसा, मतलब आपने जब बॉडी बिल्डिंग शुरू करी तो आप हॉस्पिटलाइज हो गए? हॉस्पिटलाइज हो गया, और हॉस्पिटलाइज होने के बाद जो है मेरे साथ प्रॉब्लम चलती रही, कुछ ना कुछ चलती रही, बैक की प्रॉब्लम हो गई, सर्वाइवल प्रॉब्लम हो गई, फिर किडनी स्टोन हो गया। बहुत मुश्किल होता है इनसे रिकवर करना ना, दिमागी काफी मार मार देती है, डिप्रेस हो जाता है इंसान, इतने सारे डिजीज के बाद डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन भी हो गया उससे मुझे। थोड़ा इसको देखता था तो सोचता क्या था कि नहीं, मैं नहीं हूँ तो ये करेगा, ये आगे जाएगा, ये करेगा, ये मेरा सपना पूरा। इवन जब शेरू क्लासिक था तब भी ये काफ़ी डिजीज से गुजर रहे थे और बीमार भी थे, लेकिन ये तब भी मेरे साथ गए मुंबई। मुंबई, हाँ जी। मैं तो अपने ब्रदर को लकी चाम मानता हूँ।
जब भी ये जाते हैं जीतते हैं। तीन कंपटीशन में ब्रदर मेरे साथ गए, आई वॉन्ट गोल्ड, जेराई गोल्ड, WBFF प्रो कार्ड गोल्ड, शेरू क्लासिक विनर गोल्ड। दो में ये नहीं गए तो पापा का भी यही कहना है, बेटा तेरा ब्रदर तेरे साथ नहीं गया और यू गॉट सिल्वर। भाई का होता है भाई, मैं मान रहा हूँ, बातें मानता हूँ कि बिकॉज भाई भाई का दुश्मन है आजकल तो, और वो इसलिए क्योंकि दूसरों का सक्सेस नहीं दिखा जाता। और आप तो वैसे कह रहे ना कि आप रीडिफाइन कर रहे हो रिलेशनशिप्स और वैल्यूज़, ऐसे ही भाई होने चाहिए। अगर ऐसे भाई होंगे तो मेरे ख्याल से कभी झगड़े ही नहीं होंगे, और भाई ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। आपने अपना ड्रीम छोड़ के कहा कि नदीम तू कर सकता है, और फिर नदीम ने बताया कि इसके रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ थे, इसमें प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इन्हें हार्ट ब्रेक की बात करी, तब भी आप साथ में खड़े हो गए इनको सपोर्ट करने के लिए। हर जगह इसके साथ खड़ा रहा और खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। तो आप तो मिले हो गए उनसे, है ना? हाँ जी, मैं मिला हूँ, मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ मालूम है, जो जो इनके साथ हुआ। आगरा घूमने गए तो मैंने वहाँ पर देखा कि थोड़ा जो रिलेशनशिप है इसका, इसके साथ कब इसके फ्रेंड्स के साथ कुछ ज़्यादा चल रहा था। आपने नोटिस करी? मैंने नोटिस किया इन बातों को, मैंने इसको बताया भी कि नदीम थोड़ा अपना रिलेशनशिप को जो है थोड़ा उस पर ध्यान दो। तुम्हारा क्या रिएक्शन था कि अरे भाई मैं, अरे वो ऐसी नेचर है उसकी? हाँ, वही कहते हैं ना, मैं डिफेंड करने लग गया कि हाँ कि ब्रदर ऐसा नहीं है, वो ऐसी लड़की नहीं है, थोड़ी गलत फहमी हो गई होगी आपको। लोग अभी फ़ोन मिलाता हूँ, बात करता हूँ। मैं फ़ोन मिलाया, मैं मिलने भी गया, मेरी लड़ाई भी हुई उसके साथ, वो रोने लगी तो मैं भी खेल गया। उसने कहा नदीम ऐसे कुछ नहीं है, तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, ये सब करके। तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है मेरी गलतफहमी होगी, मेरी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मेरे ब्रदर की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तुम लकी हो कि तुम्हारे पास ऐसे भाई हैं। मैं तो बहुत लकी मानता हूँ जो जो सपोर्ट करते हैं। मैं हर एक को एक बात भी बताता हूँ कि रिलेशनशिप्स में ऐसा ही होता है, जो बड़े की नज़र होती है ना, अगर आपके साथ खड़े हैं वो, हाँ, और वो बोल दें, आपको ना बहुत सीरियसली लेनी पड़ेगी। क्योंकि हम जब प्यार में होते हैं हम कुछ और ही सोचते हैं कि यार नहीं 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 भाई ऐसी नहीं है वो, क्योंकि ब्रदर है या फिर कोई फैमिली मेम्बर है, पापा है या मम्मी है, वो आप हमेशा आपके सपोर्ट में और आपके भले के लिए ही बोलेंगे। सो एथलीट को सपोर्ट करने के लिए नदीम, वी हैव सम गिफ्ट वाउचर्स। सो एक है एस्थेटिक नेशन का, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारा एक गिफ्ट वाउचर पहुँच जाएगा तुम्हारे पास। थैंक यू। सो एस्थेटिक नेशन, आपको जो तुम्हें पता होगा, तुमने नाम सुना होगा इनका। हाँ, मैंने बहुत नाम सुना। तो ये लाइफस्टाइल का क्लोथिंग ब्रांड है, जिसमें ये टी शर्ट, गंजी, स्ट्रिंगर्स, हुडीज, लोअर्स, तो तुम्हारे को ये भिजवाएंगे तुम्हारे एड्रेस पे। थैंक यू। सो एक पूरा गिफ्ट वाउचर तुम्हारे को पहुँचाएंगे, और ये इसलिए करते हैं बिकॉज जब मैंने इनसे बात करी थी तो दे रीच आउट किया, हम भी कुछ करना चाहते हैं एथलीट्स के लिए, बिकॉज हमारा भी कुछ हो कि इट्स आवर ड्यूटी टू डू सपोर्ट एथलीट्स। थैंक यू एस्थेटिक नेशन, ये तुम्हें मिल जाएगा। फिर दूसरा इस प्रोबस्ट, प्रोबस्ट ने सोनू को स्पॉन्सर करा हुआ है एज अ एथलीट, तो प्रोबस्ट से मैं बात करूंगा, दो तीन अदर ब्रांड्स में बात करूंगा कि जो तुम्हारे पास भी आए, और यू नो दे शुड लुक एट यू ऑल्सो एज अ एथलीट। तो प्रोबस्ट का एक गिफ्ट वाउचर है ये, जिसमें इनके सप्लीमेंट्स है, कुछ वो है शेकर्स, राइट, आई टॉक टू देम इज़ वेल, जिससे उनको भी मिले। और बिकॉज तीसरी चीज़ जो हमारे पास अभी हमें उन्होंने ज्वाइन करा है इज़, तुमने नाम सुना होगा, सोलो क्लॉक। तो बहुत बड़े डायल की वॉचेज हैं वो, इट्स वेरी मैनली वॉच, जो तुम्हारे पे काफ़ी सूट करेगी हम श्योर, तुम्हारे बड़े बड़े हाथ हैं। तो वो भी इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि बिकॉज दे वॉन्ट लॉट ऑफ एथलीट्स टू ज्वाइन। और IFL स्टूडियो की बैकबोन ही है कि एथलीट्स को जितना हो सके सपोर्ट मिले, एथलीट्स को जितना हो सके प्रमोशन मिले, स्पॉन्सरशिप मिल सके, बिकॉज तुम इतनी मेहनत करते हो कॉम्पिटिशन के लिए, मगर उस कॉम्पिटिशन के बाद क्या होता है ना, लोग इधर तो भूल जाते हैं, भूलने के बाद कोई कंपनीज आगे नहीं आती। सो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो सारे ब्रांड्स देखेंगे वो सामने आएंगे, और तो वही मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ उसके लिए। सो यही ही प्लेटफॉर्म है, और अगर आपको भी IFL स्टूडियो में प्रमोटर, अगर आपको याद हो हमारे फर्स्ट एपिसोड में जब सोनू आए थे तो उनको भी प्रोबोस की स्पॉन्सरशिप, और यू नो कई लोग आ गए, उनको 50,000 रुपये का कैश प्राइज दिया, गिफ्ट दिया एक तरीके से कि यस आई सॉ द वीडियो। हाँ, तो बहुत ही ऐसे कहते हैं ना, एक मोटिवेशन मिल जाती है आदमी को कुछ करने की। उनको मिस्टर एशिया के लिए कहीं जाना था, बाहर जाना था, तो उनको पैसों की कमी हो रही थी, तो मैंने एक वीडियो बनाया तो कई लोग आ गए हैं, उनके लिए कुछ करा, वो स्लम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत ही इंस्पिरेशन स्टोरी थी उनकी। तो अगर आपको भी IFL स्टूडियो में आना है, यू ऑल्सो
don't want to get featured there. It's a prestigious platform jahan pe bahut top athletes feature hote hain. All you have to do is just go to iflstudio.com aur apni fields, do teen fields honge, aapka naam, aapki profile, email address, sab kuch aap fill kariye, and you know hamari team usko review karegi. And for all you know, you may just come down here and sit right next to me and Nadeem ki jagah pe aake, and we'll have a conversation. Or for all you know ki aapke paas bhi kai sponsors aa jaye aur kai aapko platforms aake liye aur open up ho jaye to help you, support you, meet your dream. So thank you so much Nadeem bhai baat karne ke liye. Thank you so much Akhil bhai, bahut maza aaya aapse baat karke. I hope aapko ye story inspiration lagi hogi. Ab main aapko milunga apne next episode mein with another inspirational athlete. See you soon.